हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हमने HDFC को लॉन्ग किया है जिस प्राइस पे वो प्राइस है 1662.05 रुपए, 1662.05। एंड जो SL है हमारा वो है 1654.55, राइट। तो ये हमारा जो है एंट्री पॉइंट है और ये हमारा एग्जिट पॉइंट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको रिस्क दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1662.05 और इसमें जो SL लगाया गया है, राइट। तो इसके हिसाब से हमारा जो रिस्क हो रहा है वो पर क्वांटिटी 7.5 रुपीज, राइट। और अगर मैं यहाँ पे राइट पौने चार सौ चार पौने चार सौ पौने 400 रुपए के रिस्क के साथ मैं अगर खेलना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी कितनी क्वांटिटी हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं 375 के अकॉर्डिंग खेलना चाहता हूँ और 7.5 के हिसाब से खेलूंगा, तो फ्रेंड्स जो हमारे क्वांटिटीज निकल के आती हैं वो आती हैं 50 क्वांटिटीज। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पोजिशन दिखाया नहीं जाता फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे आपको पोजिशन भी दिखा देता हूँ आज, ठीक है। तो चलिए चलते हैं पोजिशन की तरफ, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले प्राइस पे कि 1662.05 रुपए पे एंट्री, राइट। और अभी जो ट्रेड चल रहा है वो 1667.10 रुपए, 302 रुपए, 300 300 292 345 रुपए लगभग प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जो एंट्री की गई है वो प्रॉपर वे में जहाँ पे की गई वो दिखाई गई है। मैं जैसे आप जानते हैं कि मैं बार बार अपना पोजिशन किसी को भी नहीं दिखाता, राइट। अगर मेरे पोजीशन दिखाने से किसी को प्रॉफिट हो जाए तो मैं दिखाने को तैयार हूँ, राइट। तो मेरे पोजीशन पे मत जाइए फ्रेंड्स, राइट। ये रिस्क के अकॉर्डिंग क्वांटिटीज तय होती हैं और इसी के अकॉर्डिंग आगे का हम प्ले करते हैं, ठीक है। तो चलिए जो हमारा टारगेट है, हम टारगेट पे आ जाए फ्रेंड्स। तो आ जाते हैं स्क्रीन पे ये, और जो इसमें हमारा टारगेट निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, राइट, वो आ रहा है एग्जैक्टली 1692 का, 1992 का एक टारगेट मुझे दिख रहा है जहां पे मार्केट जाके एक रिट्रेस करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वेट करते हैं एंड देखते हैं कि कितनी देर में जो है टारगेट देता है या फिर SL हिट करता है। तो जैसा मैंने पोजीशन आपको दिखाया, यहाँ पे टारगेट मिलने के बाद जो है फिर से मैं आपको अपनी पोजीशंस दिखाऊंगा कि कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस हुआ, राइट। चलिए तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं जो हमारा टारगेट है 1692 का, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो करंट में मार्केट चल रहा है वो 1678, और जो इस करंट कैंडल की हाई बनी हुई है वो 1679 की बनी हुई है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा मूवमेंट, ठीक है। अगर मैं इसको अचीव भी करूं फ्रेंड्स, राइट, ये जो हमारा टारगेट है, चूंकि मुझे तो यही लगता है कि इससे भी ऊपर जाएगा, लेकिन चूंकि इम्पॉर्टेंट है वो है टारगेट मिलना, राइट। उससे अधिक अब चूंकि पूरे दिन का जो रेंज है उसको तो हम नहीं पकड़ सकते, राइट, लेकिन जो हमारा टारगेट है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वेट करते हैं और जैसे ही टारगेट मिलेगा फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूंगा, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्टिकुलर ये 1675-76 के पास बार बार रुकावट पैदा कर रहा है, क्योंकि एक बार ये जाने के बाद आप देखिए एंट्री करने के बाद एक बार से ये दोबारा से इसी लेवल पे आया, राइट, जिस रेट पे हमने इसकी खरीदारी करी थी, एंड देन जो है ये फिर से उसी के पास पहुंच गया ओवरऑल, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि एग्जैक्ट ये मतलब हमारा जो पॉइंट है टारगेट का वो देता भी है या नहीं, राइट। तो देखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तक SL जो है हमारा देख रहे हैं कि SL के पास तक तो वो गया भी नहीं, ये पॉइंट एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे भी काम कर रहा है। तो वेट करते हैं जब तक कि टारगेट मिल ना जाए। और मैं अगर आपको थोड़ा सा निफ्टी 50 दिखाने की कोशिश करूं फ्रेंड्स, तो दिस वन इज निफ्टी 50, राइट। जैसा कि मैंने आपको बोला कि पर्टिकुलर इसे ब्रेक करने के बाद ही इसमें सेलिंग पॉइंट का मतलब सेल करने का कुछ ऑप्शन हो सकता है निफ्टी के अकॉर्डिंग जो ट्रेड आप करना चाहते हो, राइट। तो इसमें हमने देखा कि ये कोई ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो ब्रेकडाउन हो ना होने के कारण जो है राइट, और ऊपर से जो ये लेवल्स ड्रॉ हुए थे वो लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, तो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा था। तो यहाँ पे वेट करेंगे एंड देखते हैं क्या होता है, अभी टारगेट मिलता है या एसएल हिट होता है राइट। तो अभी देख सकते हैं कि पर्टिकुलर इसी रेंज पे जो है बार बार रिजेक्ट कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंस मेजर रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं यहाँ पे राइट। तो अगर यहाँ से आगे नहीं बढ़ता है राइट, तो मजबूरन हमें यहाँ से ही क्विट करना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे जहां तक लगता है फ्रेंड्स कि टारगेट तो मिल ही जाना चाहिए इसमें राइट, क्योंकि तो हमारे पास अभी 1:19, 1:20 हो रहे हैं, आप देख सकते हैं अभी टाइम 1:20 हो रहे हैं दोपहर के। एंड देखिए अभी बहुत खूबसूरती के साथ ये जाता हुआ, और देखते हैं क्या होता है राइट। चलिए वीडियो को पॉज करता हूँ, जैसे ही टारगेट अचीव हो जाएगा मैं आपको दिखा दूंगा ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अभी एक ही कैंडल्स में इसने ब्रेक कर दिया इसको, और एग्जैक्टली 1684 रुपए जो है यहाँ पे और रेट चल रहा है राइट, जो 1684 का रेट है वो चल रहा है, और हमारी टारगेट से केवल 7 रुपीज जो है वो डिस्टेंस है अभी इसके बीच में, मंजिल से केवल 7 कदम दूर, और यहाँ पे वेट करते हैं एंड देखते हैं कितनी देर में हमारा टारगेट जो है मिलता है राइट। चलिए फ्रेंड्स अगर बात की जाए निफ्टी की, तो आप देख रहे हैं कि पर्टिकुलर यहाँ से ही बार बार उठ रहा था ठीक है ये पर्टिकुलर, लेकिन यहाँ पे मुझे जहां तक लगता है फ्रेंड्स कि इसको यहीं पे या तो वो जाके सस्टेन करेगा ठीक है, अगर वो ब्रेक कर देता यहाँ से इसको ब्रेक कर दे राइट, तो फिर आप देख सकते हैं इसमें अच्छा और भी अच्छा जो है मार्केट जो स्टॉक्स है उसमें और भी तेजी देखने को मिल सकती है किसी भी स्टॉक्स में जो कि बाइंग साइड के लिए चल रहा होगा राइट। तो देख रहे हैं आपकी निफ्टी 50 बहुत ही 10 पैसे 5 पैसे का मूवमेंट इधर दिखा रहे राइट, तो यहाँ पे हम जो है इस बात का ध्यान रखेंगे राइट। तो देखते हैं क्या होता है अभी ठीक है, चलिए वेट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो प्राइस चल रहा है वो 1681, 1680 और 1682 ऐसा ही घूम रहा है ये राइट। तो अभी जो इसका हाई बना है एग्जैक्टली 85 राइट, 85 का हाई बना हुआ है राइट, हमारे टारगेट से केवल 5 रुपए दूर राइट, इन्होंने इसने जो है अभी हाई बना के रखा है। देखना होगा कि जो टारगेट है क्या वो हमें मिलता है या नहीं, क्योंकि देखिए बहुत खूबसूरती के साथ जो कि हमारी एंट्री कुछ इस पोजीशन पे थी राइट, यहाँ से मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट डाला और रिट्रेसमेंट होने के बाद से फिर वो उसी दिशा में निकल गया राइट। ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स जो है स्टॉक्स है, जैसे कि आप देखो अगर आप चाहो तो डॉक्टर रेड्डी जो कि सेल के लिए था बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है राइट, लेकिन उसमें कोई पोजिशन हमने नहीं लिया है राइट, कारण जो है वो कारण है उसमें कोई कहीं पे कंफर्मेशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है राइट, लेकिन उसके बावजूद वो नीचे जा रहा है राइट, जो सेल साइड के लिए था वो सेल में ही है लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिला उसमें ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं अभी क्या होता है, चूंकि हमारे पास टाइम केवल 1 घंटे बचे हुए, अब 1 घंटे में टारगेट देता है या फिर घूम के आ जाता है वहीं पे वो तो मार्केट ही जाने राइट। तो वेट करते हैं अभी 1682, 1695 और 1680, 2875 ओके कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे बायर्स अभी भी बैठे हुए, इस रेट पे भी खरीदारी चल रही है, ये देखिए 83 का 84 राइट, और ठीक है तो अभी हम वेट करते हैं एंड देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है राइट। चलिए फ्रेंड्स अगर बात की जाए निफ्टी 50 की, तो आप देख सकते हैं कि इसने इस लेवल को ब्रेक तो किया नहीं जो डाउन साइड के लिए, एंड ये ऊपर ही अपना काम करता रहा राइट, तो अभी भी ये यहीं पे है। यहाँ पे अब चूंकि वो एक माइनर सा फिर देखना पड़ेगा मुझे राइट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा होगा ठीक है किसी पॉइंट से राइट, लेकिन ऐसा मुझे लगता है फ्रेंड्स कि ये थोड़ा सा ऊपर और हल्का सा जाना चाहिए, मैं ये नहीं कहता ये कि देखिए एंड ऑफ द डे मेरे हिसाब से 9388 का जो लेवल है उसको टच करेगा ये राइट। तो देखते हैं क्या होता है राइट, और एक बार से जो है हम देख लेते हैं HDFC को दोबारा से, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड जो इसका हाई बना है वो बना है 1688, 85 का ठीक है, हमारे टारगेट से केवल अप्रोक्स
₹2.15 राइट यस, तो ₹2.15 केवल दूर है राइट। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ लाइव चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये सारा जो है फ्रेंड्स, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एनालिसिस का ही तरीका है, बाकी कुछ भी नहीं है राइट। आप देख रहे हैं इसमें ना ही कोई इंडिकेटर्स का यूज है सिवाय वॉल्यूम चार्ट को छोड़ के राइट। तो चलिए फ्रेंड्स वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा टारगेट जो है जो 90 का है ठीक है, ये यहाँ पे टर्न हो चुका है इस वाले पॉइंट में ठीक है, जिसको मैंने 90 पे ही एग्जैक्टली जो टारगेट था उसको टच करने के बाद ही जो है यहाँ पे जो है इसका, क्योंकि देखिए ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां से एक तरीका है कि यहाँ से झटका देगा, मतलब नीचे साइड को फेंकेगा वो राइट। तो पहले से ही कंट्रोलर के साथ, और यहाँ पे हमारा स्क्वायर ऑफ हो गया है राइट, जो टोटल जो हमारा जो पोजीशन था वो कट हो चुका है, और जो देख लीजिए आप बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ से हमारा टारगेट मिल चुका है राइट। थोड़ा सा निफ्टी के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो निफ्टी को भी देख लीजिए धीरे धीरे करके, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यहाँ से इस पॉइंट को ब्रेक करने के बाद से इसको टच जरूर करेगा एक बार को ठीक है। तो अब देख सकते हैं अभी की 85 को और माफ कीजिए 90 को टच करने के बाद, मतलब 90 को एग्जैक्टली वो जाने के बाद जो है, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि 90 का लेवल जो मैं बोल रहा था लाइंस जो थी वो हमारी 1951 पे अप्रोक्स लगी थी राइट। तो एग्जैक्टली जो 90 का जो लेवल है ठीक है, वहां से इसको और ये निकला, और अभी देखिए ये नीचे काम कर रहा है। खैर हो सकता है पॉसिबिलिटी इसमें ज्यादा है कि इसको भी ब्रेक करके ऊपर चला जाए राइट। तो ये था आज का हमारा ट्रेड, कैसा लगा जरूर बताइएगा राइट। और बहुत ही अच्छे के साथ, चूंकि आप देख सकते हैं कि हमारी एंट्री कुछ इस पॉइंट पे हुई थी, ये पॉइंट पे एक रिट्रेसमेंट के बाद हमारा टारगेट मिल गया राइट। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगा हो राइट। चलिए थैंक यू।